वर्तमान में पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते अब इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत बढ़ गई है। इसी उद्देश्य से दत्ता कृपा मोटर्स ने ओमेगा से की मोबिलिटी इस नामचीन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी की फ्रेंचाइजी स्वीकार की है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों इस नए व्हीकल शोरूम का उद्घाटन किया गया। दत्ता कृपा मोटर्स शहर के नामचीन वाहन प्रदाता कंपनियों में से एक है, जो हमेशा से ही उपभोक्ता केंद्रित प्रोडक्ट लॉन्च करते रहती है। इस बार इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर दत्ता कृपा मोटर्स द्वारा विश्व की नामचीन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रदाता कंपनी ओमेगा से की मोबिलिटी की फ्रेंचाइजी स्वीकार की गई है। इस अवसर पर इस नए शॉप का उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों संपन्न हुआ। इस खास मौके पर गडकरी ने फीती काट कर इस कार्यक्रम को संपन्न किया। इस समय ओसीएम के चेयरमैन और फाउंडर उदय नारंग ने नए ओसीएम द्वारा प्रदत्त वाहनों की विशेषता बताई। मेरा नाम उदय नारंग है और मैं ओएसएम का चेयरमैन और फाउंडर हूं। और ओएसएम आज की डेट में इंडिया की वन ऑफ द मेजर लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द कमर्शियल सेक्टर, बहुत बड़ी कंपनी है। हमारे पास वी आर द ओनली कंपनी जिसके पास फिक्स्ड फास्ट चार्जिंग स्वॉप और अब 15 मिनट फास्ट चार्जिंग के व्हीकल आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कमर्शियल सेक्टर में हमारे पास व्हीकल्स हैं जो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, जितना जो जैसे आपको प्राइसिंग चाहिए, हमारे पास सारी व्हीकल्स हैं। हम पैसेंजर में अब आए हैं स्ट्रीम और स्ट्रीम सिटी के साथ, और हमारे पास कार्गो के टू व्हीलर्स और ट्रक्स 1 टन और 3.5 टन के आ रहे हैं। हमारे पास फाइनेंसिंग, हमारे पास रेंज, हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वेदर वो आपके लिए कार्गो के लिए है, पैसेंजर के लिए है, सिलेंडर के लिए है, वाटर के लिए है, डिफरेंट लेवल्स। अभी हम महाराष्ट्र में बहुत ही, हमारे पास फैक्ट्री भी हमारी चाकन में है एक, और हम महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। प्रीटी मच ऑल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आने का हमारा प्लान है। हम गुजरात में, हम वेस्ट में काफ़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और आज बहुत ही खुशी है कि नागपुर में एक बहुत ही सेंट्रल लोकेशन में सर के साथ आज हमारी डीलरशिप खुल रही है। और बहुत ही एक बहुत ही प्राउड डे है कि नागपुर में, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो इलेक्ट्रिफिकेशन और ग्रीन एनर्जी के लीडर हैं, वो हमारे उनकी सिटी में आज हम खोल रहे हैं। आपको हमारे को महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत सारे, आज ही हमारी 186 डीलरशिप है और बहुत कुछ आगे काम करना है। बट जस्ट सिर्फ व्हीकल नहीं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, द होल इकोसिस्टम बिल्डिंग करने में ओएसएम का योगदान है। इस खास मौके पर ओसीएम वाहनों की विशेषता बताते हुए दत्ता कृपा मोटर्स के मालिक प्रतीक वाकोड़े ने बताया कि यह एकमेव ऐसी कंपनी है जो सर्वोत्कृष्ट सेवा के साथ प्रोडक्ट भी प्रदान करती है। इस महत्व को पहचानते हुए डीके मोटर्स ने इसकी फ्रेंचाइजी दी है। मैम, इसके पर्क्स, सबसे बड़ा यूएसपी कंपनी का ये है कि आज तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई फ्रोस्ट व्हीकल नहीं दे रहा है। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई फ्रोस्ट व्हीकल नहीं दे रहा है जिसका कूलिंग कैपेसिटी 0 डिग्री तक वो मेंटेन कर सकता है। ये अभी तक का ये प्रोडक्ट इंडिया में कहीं पर लॉन्च नहीं हुआ है। सिर्फ ओएसएम ही एक ऐसी कंपनी है जो ये प्रोडक्ट लेके आया हुआ है मार्केट में। तो इसके अलावा भी प्राइस रेंज बहुत है अपने पास व्हीकल्स की, जैसे सर ने बताया, कस्टमर के नीड्स के हिसाब से 60 किलोमीटर्स के एवरेज से लेके 150-125 किलोमीटर के एवरेज तक अपन कस्टमर को उनकी नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। सर्विस के लिए आपको कोई इशू नहीं है, सर्विस के लिए अपना सर्विस सेंटर भी यहीं पास में है। सो आपको ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आएगा रिगार्डिंग सर्विस, रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ रोड साइड असिस्टेंस और एनीथिंग। लाइक रोड साइड असिस्टेंस भी हमारा इतना स्ट्रांग है कि विद इन हाफ एन आवर या विद इन आवर एट ऑल टू आपको ये सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। अगर आपका कहीं व्हीकल ब्रेकडाउन होता है किसी भी कारणवश, किसी भी चीज़ के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी छोटे मोटे कारण की वजह से अगर आपका व्हीकल ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमारे पास सर्विस टीम है जो वहाँ पे ऑन स्पॉट जाके आपको असिस्ट करेगी, आपको गाइड करेगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको हेल्प करेगी। तो मैं बस यही चाहता हूँ, आप ये सारी चीज़ें देखिए, आप यहाँ पे एक बार शोरूम में आके विजिट कीजिए और हमें आपको सर्व करने का मौका दीजिए। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का दूसरा एडवांटेज है, एक तो पेट्रोल सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, दूसरा एनवायरमेंट प्रदूषण जो है ना, तो इलेक्ट्रिक में कमी होता, ते पेट्रोलमुळे डिझेलमुळे खूप प्रदूषण होतं। आणि आपल्या देशामधली ही समस्या आहे की प्रदूषणमुळे अनेक रोग आहेत, छातीचे रोग आहेत, श्वासाचे रोग आहेत, हे होतात। पण ते करायला आपल्याला करायलाच पाहिजे, ते केलेलं आहे, चांगलं झालं की वी आर स्विचिंग ओवर टू इलेक्ट्रिक। और हे जे बाकी वेगळ्या प्रकारचे जे गार्बेज वगैरेपासून जे करतो आपण इलेक्ट्रिक,
तर इट्स अ व्हेरी गुड मूव, चांगला आनंद आहे आणि उलट प्रगती व्हायला पाहिजे, लोकांनी सवय केली पाहिजे त्या गोष्टीची. इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आर सक्सेसफुल. एक दोन चार वर्षापूर्वी ते भीती वाटायची की बा गॅरंटी नाही आहे, शुअर नाही, पण असं काही नाही. आता लोकांना कळलं आहे की नाही, फार चांगली आहे, इकॉनॉमिक आहे आणि सक्सेसफुल आहे. कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट.